नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सप्ताहव्यापी चीन भ्रमण क के आई स्वदेश घूर रहा है। चैत 7 गते जम्बो टोली लक चीन भ्रमण में गेल प्रधानमंत्री ओली भ्रमण के क्रम में चीन संग 10 समझौता सेहो केने छलथ। भ्रमण के क्रम में चीन आ नेपाल बीच 15 बूंदे संयुक्त विज्ञप्ति सेहो जारी भेल छल। चीन में रहत काल प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली खच्यांग लगायत से उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट केने छलथ। ओ चीन के विभिन्न प्रांत आ शहर के सेहो अवलोकन भ्रमण केने छलथ। अही बीच प्रधानमंत्री ओली सहितक भ्रमण टोली शनि दिन सिचुआन प्रांत स्थित छेन्दू शहर में रहल भूकंप स्मारक आ संग्रहालय के अवलोकन केने छथ। सन 2008 में आयल 7.9 रेक्टर स्केल के भूकंप के स्मरण में इस संग्रहालय निर्माण कयल गेल अछि। प्रधान सेनापति राजेंद्र छेत्री आई चीन के सप्ताहव्यापी भ्रमण में निकलल छथ। चीनिया जनमुक्ति सेनाक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फांग फेंगघुई के निमंत्रणा में प्रधान सेनापति छेत्री ओहि दिश जाय लागल छथ। भ्रमण टोली में प्रधान सेनापति संगे हुनकर धर्मपत्नी रीता छेत्री, व्यवस्था तथा युद्ध कार्य महानिर्देशक उपराथी हिमालय थापा, अंगरक्षक लगायत 8 गोटे सहभागी हेता। चैत 20 गते धर होबय वाला भ्रमण के क्रम में प्रधान सेनापति चीनिया जनमुक्ति सेना के विभिन्न यूनिट अवलोकन तथा उच्च स्तरीय भेटवार्ता करके सैनिक जनसंपर्क निर्देशनालय जनौलक। प्रधान सेनापति भेला के बाद क्षेत्रीय करय लागल चीन भ्रमण ई पहिल बेर अछि। एहिसँ आगू ओ भारत भ्रमण केने छलथि। हुनका आगू के प्रधान सेनापति सब छत्रमान सिंह गुरुंग आ गौरव शमशेर राणा के भ्रमण में चीन 1 अरब रुपया बराबर के स्वास्थ्य उपकरण सेना के सहयोग केने छल। आबय वाला बृहस्पति दिन चैत 18 गते से शुरू होबय लागल एहि वर्षक प्रवेशिका अर्थात SLC परीक्षा में 615,553 परीक्षार्थी सहभागी होबय लागल अछि। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय सानोठिमी के परीक्षा नियंत्रक कृष्ण प्रसाद कापरी के अनुसार नियमित दिस 452,881 आ एग्जामटेड दिस 159,417 विद्यार्थी सहभागी होयत जनतब देलनि। अहिना के प्राविधिक दिस 3,255 गोटे परीक्षार्थी सहभागी होयत। सबसे बेसी काठमांडू में 35,000 आ सबसे कम मनांग में 69 गोटे परीक्षा देत। परीक्षा नियंत्रक कापरी के अनुसार परीक्षा के संपूर्ण तैयारी भ चुकल अछि। आवश्यक सामग्री सब सेहो प्रत्येक जिला में पठा चुकल अछि आ एहि वर्षक परीक्षा शांतिपूर्ण रूप में सम्पन्न होयत। एहि के लेल अनुगमनकर्ता सबके निर्देशन दऽ चुकल छथि। सिराहा नगरपालिका सब प्रहरी विशेष सुराकी के आधार में मेड इन USA पिस्तौल सहित 2 युवक के पकड़ाव कयलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा देने जानकारी अनुसार भारत से सिराहा के मार्डर दिस आबि रहल 3579 नंबर के मोटरसाइकिल के सीट के नीचा नुका कर रखने अवस्था में हथियार बरामद भेल अछि। आइ जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा पत्रकार सम्मेलन मार्फत देने जानकारी अनुसार सिराहा के मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नंबर 1 मनहरबा रनियार हकीम अंसारी के 21 वर्षक बेटा मोहम्मद मैनुद्दीन अंसारी आ मिर्चैया नगरपालिका 3 बलुआ टोल रनियार लोचन यादव के 20 वर्षक बेटा आकाश यादव के तलाशी लेला के बाद मोटरसाइकिल के सीट नीचा से मैगजीन बिना के मेड इन USA लिखल पिस्तौल 1 थान आ 9 राउंड गोली लोड भेल, 2 थान मैगजीन, भारतीय सिम कार्ड सहित के मोबाइल 1 थान, IDBI बैंक के वीसा कार्ड 1 थान, स्टेट बैंक के वीसा 1 थान, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लिखल गेल कार्ड 1 थान, इंजीनियरिंग लिखल गेल कार्ड 1 थान, 3579 नंबर के मोटरसाइकिल सहित के सवारी दर्ता किताब सहित नुका छिपा कर आनि रहल अवस्था में भेटल। जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा के प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक 1 नारायण कोइराला पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी देने सिराहा से श्रीकांत झा बतौलनि अछि। विशेषणको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले सिरा जिल्ला सिराहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 17 स्थितबाट हात हतियार तथा खरखजना यो पिस्तोल US मेड पिस्तोल 1 थान र सोमा लाग्ने गोली 9 र 2 मेगजिन सहित 2 जनालाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ र उक्त टोलीले भारत तर्फबाट नेपाल तर्फ आइरहेको अवस्थामा 3579 नम्बरको मोटरसाइकललाई रोकी पकड़ाव परल दुनू गोटे के हाथ हथियार खर खजाना एन अंतर्गत 2072-12-14 बमोजी मैथ थपक के अनुसंधान भ रहल प्रवक्ता कोइराला जनतब देलनि अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। मलेशिया में एक कंपनी में आग लगी भेला से ओहिठाम कार्यरत 400 से बेसी नेपाली कामदार के राहदानी जरकर नष्ट भेल अछि। जोहर के सेगामत में रहल
इको सफ मार्केटिंग नामक कंपनी आ होस्टल में दू सप्ताह आगू मार्च 13 में आग लगी भेला से राहदानी झरला के बाद पीड़ित नेपाली कामदार चिंतित है। स्थानीय समय अनुसार भिनसर करीब 10:45 बजे भेल ओ घटना में कंपनी के कार्यालय में राखल गेल कामदार के करीब 400 से बेसी प्रति राहदानी जरि कर नष्ट भेलै छ। भिनसर करीब 10:45 बजे आग लगी भेल आ 415 नेपाली में से 408 गोटे नेपाली के राहदानी जरल बताओल जा रहल छ। हुनका अनुसार अगिलगी में 5 गोटे बर्मेली कामदार के राहदानी सेहो जरि कर नष्ट भेल छल। अगिलगी में पड़ि कर कंपनी के भवन में रहल 42 कोठली में से 16 कोठली सब जरल आ होस्टल समेत जरला के बाद कामदार सब कंपनी परिसर भित्रे में रहल गाड़ी पार्किंग करे वाला ठाम में रहते आ रहे। कंपनी आ होस्टल सेहो कक 16 कोठली सब पूर्ण रूप में जरि कर नष्ट भेल छ। आब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रीय टोली मलेशिया के 22 वर्ष निशा के टोली संग रविदिन मैत्रीपूर्ण फुटबल खेला जा रहा है। नेपाल आ मलेशिया बीच के खेल नेपाली समय अनुसार सांझ के 7:45 बजे मलेशिया के शेरबन में हैत। राजधानी कुआलालंपुर से 100 किलोमीटर दूरी में रहल शेरबन में टुअंकू अब्दुल रहमान रंगशाला में नेपाली टोली नया प्रशिक्षक ग्योतोकु कोजी के प्रशिक्षण में पहिल बेर खेलत। बंगबंधु गोल्ड कप के उपाधि आ दक्षिण एशियाली खेलकूद साह के फुटबल में स्वर्ण पदक जीतने नेपाली टोली ओकर बाद पहिल बेर खेल लागल। विश्वकप T20 में आई भारत ऑस्ट्रेलिया बीच क्वार्टर फाइनल मैच होब लागल। भारत में जारी वर्ल्ड कप T20 के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में होब वाला मैच में हार वाला टीम के विश्वकप में जाय के रास्ता बंद हैत। यह कारण से नेपाली समय अनुसार रात 7:45 बजे से शुरू होब वाला मैच रोमांचक हैत मानल जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया आ भारत भारतीय टीम पाकिस्तान आ बांग्लादेश के हराने छल त दोनों टीम न्यूजीलैंड संग हार के सामना केने छल। अखन दोनों टीम के सेमीफाइनल में पहुंचे के दबाव है। रिकॉर्ड्स के अनुसार टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बहुत आगू है मुदा टूर्नामेंट में अखन धरि ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन भारत से निक रहल है। अपन न्यूज अखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।